हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप क्या सब बहुत अच्छे। तो गाइस, ये अपने एक्टर 2009 मॉडल की, इसमें अपन ना ये वाली एलईडी लगाएंगे, आप ये देख सकते हैं। तो फटाफट इसको खोल लेते हैं। उसके लिए अपन को एक यहाँ पे एक नट, दो सामने, तीन और इधर चार, और एक हेडलाइट के नीचे था पाँच। तो फटाफट खोल लेते हैं। और ये मेरे को काफ़ी अच्छे प्राइस में मिले, मतलब जो एमआरपी है ना उससे 40 से 45% तक ये सस्ती मिली मेरे को, मतलब अंडर 500 रुपीज़ की मिली मेरे को ये शॉप पर। तो आप देख सकते हैं 6000 केल्विन लिखा है, और दिखा देता हूँ मैं आपको पूरा इसका बॉक्स। इधर आप देख सकते हैं 790 सुप्रजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड नोएडा, मेड इन इंडिया, 10 वॉट की है यहाँ पे। तो बैटरी पर भी कोई भी लोड नहीं आएगा और बैटरी की लाइफ भी इससे इंक्रीज़ होगी। तो फटाफट अभी खोल लेते हैं मास, उसके बाद आपको वायरिंग बताता हूँ। तो इधर आप देख सकते हैं अपन ने एलईडी लगा दी, और अभी मैं इसको टेस्टिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एलईडी लगी हुई है, और इसमें क्या किया मैंने, इसका H4 का सॉकेट चेंज कर दिया। जो कंपनी का फिटेड आता है ना, वो ये रहा अपने सामने, ये रहा, ठीक है। तो इसमें क्या किया, इसमें तीन वायर थे, एक लो बीम, एक हाई बीम, एक नेगेटिव। तो ब्लू वाला अपना नेगेटिव है, रेड वाला इसका लो बीम का है, और जो येलो वाला वो हाई बीम का। अब इसमें क्या किया मैंने, इसका जो लो बीम है ना वो एक स्विच से कनेक्ट कर दिया। अपने जुपिटर का पास का स्विच रखा था मेरे पास, तो पहले मैं इससे टेस्टिंग करूँगा कि इसकी जो लाइट की में वो कैसे आ रही है। तभी मैं इसकी मेन वायरिंग पे थोड़ा ऑल्टरेशन करूँगा, या फिर जहाँ से इसका जॉइंट आता है वहाँ से इसमें कट मार के सीधे इसको ये 12 वोल्ट से कनेक्ट कर दूंगा। उसका वीडियो बना रखा है ऊपर आई बटन, आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे जुपिटर का पास का स्विच था, ये 12 वोल्ट के लिए आ रहा है। उसका लो बीम ना इसके इसमें लगा दिया, इधर आप देख सकते हैं, और हाई बीम इसके यहाँ पे कर दिया, और ये नेगेटिव का तार। तो सिंपली क्या किया, इसको एक एक्सटर्नल स्विच से जोड़ दिया है, एक लो बीम का एक हाई बीम का। तो जैसे ही मैं अभी आपको ऑन करके दिखाता हूँ, पर इसमें मेरे को नेगेटिव देना पड़ेगा, तो फटाफट मैं इसमें नेगेटिव दे देता हूँ, उसके बाद अपन करते हैं कंटिन्यू। तो इधर आप देख सकते हैं बिल्कुल मैं सुनसान रोड पर आ गए, और मैं चालू करता हूँ हेडलाइट। तो ये आप देख सकते हैं बीम, ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें, ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी नहीं है। और इसका हाई बीम करता हूँ, हाई बीम तो पता नहीं कहाँ जा रहा है। ये लो बीम है देख सकते हैं, और ये हाई बीम है। हाई बीम तो ज़मीन पे नहीं आ रहा, वो उधर सामने इधर आ रहा है पेड़ों की तरफ। तो लो बीम में मैं आपको चला के दिखा देता हूँ, ऐसा इतना कुछ खास नहीं है। और ये देख सकते हैं, मैं अभी आपको रोशनी वाली तरफ लेके चलता हूँ। कैमरे में बहुत अच्छी दिख रही है लाइट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, पता नहीं चल रहा लाइट चालू हुई है कि नहीं। इधर आप देख सकते हैं व्यू तो अच्छा नहीं है, देख सकते हैं इतना कुछ खास नहीं है, मतलब वैल्यू फॉर मनी तो अब 400 रुपये में आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे कि यार लाइटनिंग तो इतनी अच्छी नहीं है। लेंथ भी काफ़ी कम है, जो बीम की स्प्रेड है ना वो इतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, देख सकते। तो ये तो ज़्यादा मज़ा नहीं आया इस लाइट में। इधर आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रही होगी आपको लाइट, इसकी ये लो बीम यहाँ तक जा रही है, और हाई बीम करता हूँ तो आप देखो। तो आपने इसका वीडियो देख लिया होगा, मेरे को तो ये लाइट इतनी अच्छी नहीं लगी। मतलब ठीक है, अपन बल्ब से ऊपर आ रहे हैं एलईडी में, तो इसका इतना अच्छा कुछ नहीं है, मतलब ठीक है। अब मैंने इसको ना, मैंने कितने में लिया था मैं बता देता हूँ। मैंने इसको लिया था 425 रुपीज़ में, उसका प्रिंट रेट है 790 रुपीज़। तो ऑलमोस्ट 50-60% मैंने कम लिया, जैन 2024 का। इधर आप देख सकते हैं कुछ अच्छी रोशनी नहीं है, मतलब मज़ा नहीं आया मेरे को इसमें, वर्थ नहीं है 400-500 या फिर 1000-1200 की लो ना, तो उसमें अच्छी आपको इसकी जो लो बीम की जो स्प्रेड है ना वो इतना कुछ खास नहीं है। हाई बीम तो पता नहीं कहाँ दे रहा है, इसमें शायद उल्टा है कि अपन ऐसे में लगाए ना तो ये नीचे वाले, ये नीचे से होके ऊपर ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसमें उल्टा है, पता नहीं क्या सिस्टम, शायद लो बीम हाई बीम का उल्टा प्रोसीजर है, क्योंकि उसमें आगे की तरफ दिया रहता है, इसमें अलग ही सिस्टम है। तो बस यही था कि अगर आपको लगाना है तो आप लगा सकते, पर मेरे तरफ से तो ये अच्छी नहीं है क्वालिटी वाइज, मतलब क्या है पता नहीं। 425 में
इतना अच्छा नहीं है ये प्राइस वाइज। तो बस यार यही था कि आप ये कर सकते हैं इसको मॉडिफाई, शायद दूसरी एक्टा में लगा के देखूंगा। अगर वैसे तो इन सब का जो एक्टिवा का जो हेडलैम्प है वो सेम रहता है तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो बस यार आज के तो यही था, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम ऐसी ऑटोमेटिक मॉडिफिकेशन लाते थे। गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।